नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी 30 न्यूज। बड़ी खबर रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां साइबर ठगी करने वाले 3 ऐसे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो अनोखे तरीके से साइबर ठगी कर रहे थे। दुकानदार के खातों से पैसे निकल जाता था और उसको पता भी नहीं चलता था। आरोपियों ने इस तरह की ठगी के लिए एक शराब दुकान को निशाना बनाया था। शराब दुकान ठेकेदार निखिल सिंह ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लगातार उनके खाते से रुपए निकल रहे हैं। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया, साइबर ठगी करने वाले आरोपियों ने ठगी का एक नया तरीका निकाला था। शराब कारोबारी के खाते से पिछले महीने से कुछ खास ट्रांजेक्शन में लगातार पैसे रिफंड हो रहे थे। जब मालिक ने बारीकी से चेक किया तो पाया कि कुछ चुनिंदा व्यक्ति हैं जो आए दिन उसकी दुकान पर शराब खरीदने आते हैं। उनके द्वारा फोन पे के माध्यम से उन्हें पेमेंट किया जाता है, लेकिन फिर से राशि ग्राहक के खाते में जा रही है। साइबर ठगी का एक मामला आया था, जिसमें आरोपियों के द्वारा शराब दुकान में वहाँ पे पिछले कुछ एक दो महीने से लगातार दुकान पर जाकर के खरीदी की जाती थी, और खरीदी करने के बदले में उन्हें फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट मौके पर कर दिया जाता। बाद में ये पेमेंट 24 घंटे के अंदर उन्हीं ग्राहकों के खाते में रिफंड हो जाता था। जब मालिक के द्वारा बैलेंस चेक किया गया तो उसमें कुछ कमी पाई गई। बाद में जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि कुछ खास ट्रांजेक्शन में बार बार रिफंड हो रहा है। तब जाकर के उस बात का खुलासा हुआ, उसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर अपराध कायम करके और आरोपियों को चिन्हित कर उनसे पूछताछ की गई, तो ये बात का खुलासा हुआ कि ये आरोपी जो थे ये पेटीएम में एक्सक्यूटिव का काम करते थे, जो पेटीएम वगैरह लगाते हैं जा करके, और जब ये लगाते थे उस समय वो पेटीएम का एक्सेस अपने पास रखते थे और उस एक्सेस के माध्यम से कोई भी पेमेंट अपने आदमी को भेज करके कुछ खरीदवाते थे, और बाद में उसी ट्रांजेक्शन को वो अपने फोन के माध्यम से उसको रिफंड कर लेते। सर, ये कितने आरोपी थे और कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है इनके? 3 आरोपी हैं, एक परशुन तिवारी, ये रायपुर कटिहार के अंतर्गत बरेली गाँव का रहने वाला है। एक अंकुल तिवारी है, ये बरौन से मरिया का है, और एक मयंक है जो कि अपना बिलमोहन टोला शारदा प्रभु सम्मान में रहता है। लगभग कितने इन्होंने ऐसे फ्रॉड किए? ये लगभग 86-87 हज़ार रुपये का पिछले 2 महीने में।